गाजा में इजरायली बमबारी से बेगुनाह फलस्तीनी बच्चों और महिलाओं की कत्लेआम को देखकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान एक बार फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आए हैं। एर्दोगान ने तुर्की में एक रैली को संबोधित करते हुए इजरायल और उसके हिमायती पश्चिमी देशों को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, तैयब एर्दोगान ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को आतंकवादी तक कह डाला। तैयब एर्दोगान ने पश्चिमी देशों को ललकारते हुए ये तक कह डाला कि क्या तुम एक बार फिर से क्रूसेड्स करना चाहते हो। आपको बता दें, क्रूसेड्स उस जंग को कहा जाता है जो यरूशलेम के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के बीच लड़ी गई थी। आखिरी क्रूसेड सलाउद्दीन अय्यूबी की सेना और पश्चिमी देशों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सलाउद्दीन अय्यूबी की जीत हुई थी। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तैयब एर्दोगान ने रैली को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए पहले मैं आपको वो सुना देती हूँ। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज़ को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। तैयब एर्दोगान ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, जिस तरह नेतन्याहू आतंकवादी हैं, उसी तरह हमास भी आतंकी है। शर्म आनी चाहिए इजराइल, हम तुम्हें दुनिया के सामने जंग का अपराधी घोषित करेंगे। अभी हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तुम यहाँ कैसे आए इजराइल? तुमने यहाँ प्रवेश कैसे किया? तुम एक घुसपैठी हो, तुम एक संगठन हो, ये तुर्की जानता है। मैं पश्चिमी देशों से बात कर रहा हूँ। पश्चिमी देश गाजा में होने वाले सबसे बड़े नरसंहार के जिम्मेदार हैं। पश्चिमी देशों, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम एक बार फिर से क्रॉस और क्रिसेंट के बीच लड़ाई शुरू करवाना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करने की सोच रहे हो तो याद रखना, तुर्की के लोग इसमें नहीं मरे हैं। तुर्की के लोग सीना ताने खड़े हैं। उसी संकल्प के साथ जैसे हम लीबिया में हैं, हम काराबाग में हैं और हम मिडल ईस्ट में भी हैं। इस्तांबुल में फलस्तीन के समर्थन में इस विशाल रैली का आयोजन एर्दोगान की पार्टी ने किया था। रैली में लगभग 15 लाख लोगों की भीड़ मौजूद थी, जो तुर्की और फलस्तीन के झंडे लहरा रही थी। तैयब एर्दोगान के बयान के बाद इसराइल तुर्की से खफा हो गया और उसने अपने राजनयिकों को तुर्की से वापस बुला लिया। इसराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि तुर्की से आ रहे गंभीर बयानों को देखते हुए हमने तुर्की और इसराइल के रिश्तों की समीक्षा करने के लिए अपने राजनयिकों को वहां से वापस बुला लिया। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।